बरसात के दिनों में घरों की छतों से डाउन पाइप न लगाने पर नगर परिषद हमीरपुर अब सख्त कदम उठाने के मूड में है और ऐसे बिगड़े लोगों से निपटने के लिए नगर परिषद कोर्ट का सहारा लेगी, क्योंकि हर बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रियायती मकानों से डाउन पाइप न लगाए जाने पर सड़क टूटती है। नगर परिषद हमीरपुर ईओ विनोद कुमार के अनुसार एक दर्जन शहरवासियों के घरों का पानी सीधा सड़कों पर गिरने से हर साल बारिश के दिनों में सड़कों पर गड्ढे पड़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसे लोगों से निपटने के लिए कोर्ट में केस दायर किए जाएंगे। ईओ हमीरपुर विनोद कुमार ने कहा कि नगर परिषद के नोटिस की अवहेलना किए जाने पर ही अब कोर्ट में इन बिगड़ैल बाशिंदों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में कई घरों ने डाउन पाइप नहीं लगाई है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर अब एक दर्जन लोग ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ नगर परिषद कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि रियायती मकानों से डाउन पाइप न लगाए जाने पर कई फीट ऊंचाई से पानी सीधा सड़क पर गिरता है और इस कारण सड़क टूटती है तो गड्ढे भी पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार नगर परिषद ने सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस के बाद कोर्ट में चले जाने का फैसला लिया है, जिससे पूरे शहर में चर्चा है। ये ठीक है कि नगर परिषद ने बाजार में लगभग 12-13 लोगों को नोटिस दिए थे जिन लोगों ने डाउन पाइप नहीं लगाई थी। जिन्होंने खुद मकान तो बना दिए परंतु भवन के पानी को सीधा जो था वो रास्ते में छोड़ा था। तो इसमें जिन लोगों को नोटिस है उनमें से लगभग 7 से 8 लोगों ने कंप्लाइंस अभी हमारे पास कल तक दे दी थी और मैंने रिपोर्ट भी ली मौका की, तो उसमें 7-8 लोगों ने जो है वो अपने डाउन पाइप लगा दिए। बाकी ने भी कहा है कि विद इन वीक लग जाएंगे, अगर नहीं लगाते हैं तो इनका हम जो है चलान के लिए भी उसको कोर्ट में जा रहे हैं। चलान जैसे ही ये रिपोर्ट आ जाती है तो इसकी इमीडिएट बाद जो है हम कोर्ट में चलान इनके खिलाफ करेंगे नॉन कम्प्लायंस ऑफ नोटिस, क्योंकि इनको जो कमेटी ने नोटिस दिए थे उसकी पालना नहीं हुई, नोटिस की अवहेलना करने पर ही उनके खिलाफ जो है कोर्ट में केस दायर किए जाएगा। पहले कुछ लोगों को नोटिस दिए थे जो नहीं, पिछली बार कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी, पर इस पर जो हमारे काफी लोगों की कंप्लायंस भी आ गई, 7-8 लोगों की कंप्लायंस आ गई, और जो रह गए जिन्होंने अगर वो नहीं करते हैं तो इनको हम कोर्ट में ही केस दायर करेंगे।